हम सरकार में थे जब वो अधर्म से चलने लगे, तो धर्म से उन्होंने, हमने खूब कोशिश करी धर्म से चलें, पर उनकी सरकार और बीजेपी अधर्म से चलने वाली है ही, इसलिए हम संत समाज उनसे विमुख हो गए। बीजेपी के जितने लोग हैं ये अधर्म से चलने वाले बहकावे में ज़्यादा ध्यान रखते। ये तस्वीर और बयान मध्य प्रदेश के भोपाल की है। भोपाल में साधु संतों को आप देख रहे होंगे, ये लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ में एक जोड़ा इनके पीछे बैठा हुआ है जो यज्ञ की आहुति के लिए अब खुद को तैयार कर रहा है। आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, न ही कोई यज्ञ साधु संत कर रहे हैं, बल्कि यह राजनीतिक आहुति और राजनीतिक यज्ञ है। आपको बता दें कि साधु संत, जैसा कि आपने शुरू में ही सुना, काफ़ी नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से और उसके वादा खिलाफी से। अब इन साधु संतों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो धर्म को अक्षुण्ण रखेंगे और धर्म के साथ नाइंसाफी करने वाले लोगों को का साथ नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में अब ये भोपाल में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कहा जाए तो ये पूरी तरह से दिग्विजय सिंह के साथ हो गए हैं। साधु संतों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा भोपाल में लगा हुआ है और ये दिग्विजय सिंह की जीत के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हैं और इन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया है, ऐलान जंग कहिए तो कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों के साथ और धर्म के साथ खिलवाड़ किया है और उसके साथ नाइंसाफी की है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। देखिए आगे इसके क्या होता है और ये साधु संत किस तरह की बातें करते हैं। आप पहले इनकी पूरी बात और पूरी प्रक्रिया को सुने जिसके तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इन साधु संतों के इस विरोध को कैसे निपटती है और सामना करती है। जुड़े रहें और सुने कि ये साधु संत क्या कर रहे हैं और किस तरह का वहाँ क्रियाकलाप है और माहौल बना हुआ है। वो साधु हो ही नहीं सकते। हम सरकार में थे जब वो अधर्म से चलने लगे, तो धर्म से उन्होंने, हमने खूब कोशिश करी धर्म से चलें, पर उनकी सरकार और बीजेपी अधर्म से चलने वाली है ही, इसलिए हम संत समाज उनसे विमुख हो गए और धर्म से चलने वाले के लिए हम लोगों ने देखे विकास होना चाहिए, ये पार्टी का काम है, पर हम लोग देख रहे दोनों पार्टी किस ढंग से चल रही है, तो हमने देखा कि धर्म से चलने वाले धर्म पहले आगे आएगा, राजनीति को धर्म से चलना चाहिए, अधर्म से चलोगे तो आप देश को नहीं चला पाएंगे, इसलिए देश में उनको पहुंचाएंगे तो धर्म से चलेंगे। ये अधर्मी लोग हैं, बीजेपी के जितने लोग हैं ये अधर्म से चलने वाले बहकावे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।